शहर की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए ईडब्ल्यू नेटवर्क और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। जिस पर कोई गौर नहीं वह है नागौर। यह वही जिला है जो राजस्थान शासन को सबसे अधिक राजस्व देने का मान आज भी हासिल करता है। इसी नागौर के खिमसर तहसील में आने वाला गांव भावंडा इसी राजस्व की कड़ी में सबसे अहम भूमिका निभाने वाला एक प्रमुख गांव। मगर अफसोस आज यही गांव 21वीं सदी के भारत का सबसे पिछड़ा गांव में गिना जाने लगा है। यूं तो राजस्थान के हर जिले में बुनियादी सुविधाओं से भरपूर और संपन्न ऐसे कई गांव आपको आसानी से देखने मिल जाएंगे, मगर भावंडा ग्राम पंचायत इन्हीं बुनियादी सुविधाएं और विकास से कोसों दूर है। परिणाम स्वरूप स्थानीय लोग 21वीं सदी के आधुनिकीकरण के युग में भी बदहाली की जिंदगी जीने को मजबूर है। सरकारी अफसर, कर्मचारी, डॉक्टर, फौजी, पत्रकार, उद्योगपति, न जाने कितने ऐसे होनहारों ने इस गांव में जन्म लिया, मगर बावजूद इन्हीं होनहारों का यह गांव आज भी अधोगति की जाल में फंसा ही रहा। और यही कारण है मिट्टी की टूटी सड़कें, खुले में बहता गटर का पानी, अस्वच्छता का साम्राज्य, अवैध खनन के चलते तेजी से बढ़ता प्रदूषण का स्तर, परिणाम स्वरूप लोगों में फैलती अनगिनत बीमारियां, बिजली की समस्या और तो और पानी की गंभीर समस्या आज भी जैसे थी वैसी ही है। सूत्रों की माने तो गांव की मुख्य सड़कों से लेकर इंटरनल रोड्स के लाखों के ठेके कई बार आवंटित किए गए, मगर दुर्भाग्य से अधिकारी और जनप्रतिनिधियों की सांठगांठ में ठेके के पैसे तो चपत कर दिए गए, मगर सड़कें आज भी नहीं बनी। कहते हैं कि जिस गांव में जल की कोई कमी नहीं वह गांव सबसे सुखी, मगर भावंडा में आज भी पीने के पानी के लिए लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। इसी जल समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए आखिर स्थानियों के भाग में पानी की टंकी के निर्माण का ठेका पारित तो हुआ, मगर 5 साल बीत गए अब इसी टंकी का निर्माण काम अधर में पड़ा है। गांव में चिकित्सालय की खस्ताहाल अवस्था आज अपने आखिरी चरम पर है। प्रशासन भले ही बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने का ढिंढोरा समूचे नागौर जिले में पीट रही हो, मगर भावंडा का यह स्वास्थ्य केंद्र अब खंडर में तब्दील होता नजर आ रहा है। हालात तो तब बदतर हो जाते हैं जब बरसात में चिकित्सालय का परिसर तालाब में तब्दील होने लगता है। ज्ञात रहे कि भावंडा पिछले कई दशकों से भाजपा का गढ़ रहा है, मगर राजस्थान में आज कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में क्या राजनीतिक दलों के बीच में चल रहे क्लेश और विवाद का हर्जाना कहीं भावंडा ग्रामवासी गांव की दुर्दशा के जरिए तो नहीं भुगत रहे? कैमरा पर्सन राजू शर्मा के साथ गंगा सिंह राजपुरोहित, ईडब्ल्यू नेटवर्क।